शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। अगर गुरुजी ने कहा है कि अपने परिवार के किसी की नर बलि देने से मेरा राजन बिल्कुल ठीक हो जाएगा तो मैं ये बलि जरूर दूंगी। नेहा, तुम्हारे कपड़े दिन ब दिन छोटे होते जा रहे हैं। ये कौन सा तरीका है कपड़े पहनने का? हाँ रेणुका, यहाँ आओ। देख जरा इसे कैसे कपड़े पहन के रखे हैं। समझा अपनी भांजी को? अरे तुम्हारी बहन ने इसे बचपन में यहाँ छोड़ा था, किस लिए? ताकि पढ़ लिख कर ये कुछ बड़ा करे, अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सके। ऐसे रोशन करे ये नाम अपना, हाँ? और इसे देख, इसको देख के तुम्हें लग रहा है कि इसका पढ़ाई लिखाई में कोई ध्यान है? तय किसी फैशन शो में जा रही है। अरे दीदी, ये तो आजकल का फैशन है। इस उम्र के लड़के लड़कियां ऐसे ही स्टाइलिश कपड़े पहनते हैं, क्यों नहीं? नहीं चलेगा यहाँ पर ये सब। देखो बेटा, तुम्हें फैशन के साथ साथ पढ़ाई लिखाई में भी ध्यान देना है ना। जीवन में कुछ बड़ा करना है, अपने माँ बाप के सपने पूरे करने हैं, समझे ना बेटा? जीता रे पुत्र। मम्मी, अब फटाफट ना मेरा नाश्ता लगा दो, एग्जाम के लिए लेट हो रहा है। हाँ जरूर बेटा, नाश्ते से पहले ना ये ले प्रसाद खा ले। ईश्वर की दया से तेरा एग्जाम बहुत बढ़िया होगा। मेरा बेटा हर बार की तरह इस बार भी टॉप करेगा। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? मुझसे पूछे बिना मेरे शेयर्स कैसे होल्ड कर सकते हो? और तुम्हारी वजह से मेरा सारा पैसा ब्लॉक हो चुका है। अब इसकी भरपाई कौन करेगा? तुम्हारा बाप? मम्मी, अब मुझे लेट हो रहा है, मैं निकलता हूँ। बेटा नाश्ता तो करके सो। नहीं, बाय बाय। ऑल द बेस्ट ब्रो। नेहा बेटा। जी बड़ी माँ। तुमसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ जी। बेटा, तुम और राजन बचपन से एक साथ खेले कूदे बड़े हुए। तुम दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त हो, एक दूसरे को समझते हो। तो मुझे बताओ बेटा, आखिर राजन शादी क्यों नहीं करना चाहता? राजन, तुम्हें अपनी माँ की खुशी के लिए शादी कर लेनी चाहिए, उनकी आखिरी इच्छा पूरी कर दो। चाची जी, आप तो जानती हैं कि मैं शादी नहीं कर सकता। अगर मैं कहीं और शादी कर लूंगा तो आपको प्यार कौन करेगा? और मैं अपना प्यार किसी के साथ बांटूंगी भी नहीं, और ना ही किसी को इस घर में आने दूंगी, समझे?
बड़ी माँ, आजकल के लड़के इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं और राजन भी अपने पैरों पे खड़ा होना चाहता है, शायद इसीलिए वो शादी ना कर रहा हो। और हो सकता है उसको ऐसा लगता हो शादी करके किसी लड़के को अपनी जिंदगी में लाना और वो आपका ख्याल ना रख पाए, तो हो सकता है राजन इसलिए शादी से दूर भाग रहा है। और जहाँ तक मैं राजन को जानती हूँ तो वो आपका बहुत ख्याल रखना चाहता है। हमारे चाचा ने तो सिर्फ मुझसे नाम के लिए शादी की थी, दो दिन के लिए घर आते हैं और सालों बाहर रहते हैं, उन्होंने कभी मेरे बारे में सोचा ही नहीं। और तुमने मुझे भरपूर प्यार दिया, लेकिन लेकिन क्या दीदी, तुम्हारी शादी करवाने के पीछे पड़ी है, कल को तुम्हारी शादी हो गई तो तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें छोड़कर कहीं और शादी करूंगा? मैं पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ ही रहूंगा इसी घर में। अच्छा हाँ। अरे यश के सोने का टाइम हो गया, उसे दूध देना है, तो मैं अभी गई और अभी आई। थोड़ी जल्दी आना प्लीज। हाँ तू शांत हो जा, मेरी बात सुन। ए बुढ़िया, दो राजा मुझसे, अगर मेरे पास आई ना तो छोड़ूंगा नहीं तुझे, तेरे खानदान को मिटा दूंगा। दो राजा मुझसे, जाओ जाओ जाओ। क्या कर रहे हो तुम, जा तुम भी जाओ यहां से, तुम्हारा मुझे मत छूना। सबके सब चले जाओ, सबके सब चले जाओ। मम्मी क्या हो गया राजन भैया को? कुछ नहीं बेटा, सब ठीक है। नेहा यश को उसके कमरे में लेके जाओ। यश चलो 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 यश। मेरा बेटा अपनी माँ से बात करते हुए इतना भड़कता है, लेकिन अपने चाची के साथ कितना खुश है। पहले तो मुझे शक था, लेकिन अब मुझे यकीन हो गया है कि रेणुका ने जरूर मेरे बेटे पे कोई जादू टोना कर दिया है। अब गुरुजी ही मेरे बेटे को ठीक कर सकते हैं। नेहादी के साथ कुछ ठीक नहीं हो रहा, इससे पहले कि बात और बिगड़ जाए मुझे इसे रोकना ही होगा। मुझे मम्मी को सब बताना होगा।
मम्मी। यश बेटा मेरी बात तो सुनो। आजन भैया तुम इंसान नहीं, तुम हैवान हो। तुमने मेरी मम्मी और मैं जानता हूँ तुझे सब कुछ पता चल चुका है, लेकिन मेरी बात जो तू सोच रहा वो सब गलत है। मेरे सब बाहर चल, तुझे सब कुछ समझाता हूँ। चल जल्दी चल चल चल। बात सुन मेरी, दूर हटो मुझसे। तुम जैसा घटिया और गिरा हुआ इंसान कोई हो ही नहीं सकता। देखिए मैं जानता हूँ तू इस वक्त गुस्से में, लेकिन पहले मेरी बात तो सुन ले। मुझे तुम जैसे झूठे और घटिया इंसान की कोई बात नहीं सुननी। तुम्हें शर्म नहीं आई? तुमने मेरी माँ और नेहा दी। दोनों को तुमने हवस का शिकार बनाया। मेरी बात सुन मेरे भाई पहले। और तुमने सिर्फ मेरी माँ और नेहा दी को ही नहीं, बल्कि तुमने तो बड़ी मम्मी को भी धोखा दिया है, वो भूत वाला झूठा नाटक करके। तुम तो जानवर से भी बदतर हो। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुझे जो करना है वो करते रहना, जितना बुरा बोलना है उतना बोल लेना, लेकिन पहले मेरी बात तो सुन ले मेरे भाई। पहले मेरी बात तो सुन यार। आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं। यश बिना बताए घर से बाहर रहा, पता नहीं मेरा बेटा कहाँ चला गया। मासी आप रो मत, यश आ जाएगा। हाँ रेणुका मत रो, वो गया है ना राजन उसे ढूंढने के लिए, वो बस उसे लेकर आता ही होगा। क्या हुआ राजन, यश कहाँ है और तुम अकेले क्यों आए हो? मेरा बेटा कहाँ है? तुम कुछ बोलते क्यों नहीं हो? यश कहाँ है? चुप क्यों खड़े हो? चाची जी, मैंने पूरा मोहल्ला छान लिया, कितने लोगों से पूछ लिया, लेकिन यश का कुछ भी पता नहीं चला। लेकिन आप लोग चिंता मत करो, मैंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया, पुलिस वाले आते ही होंगे। पुलिस को बुलाने की क्या जरूरत थी? हाँ तुझे पता है ना, आज तक हमारे घर में कभी पुलिस आई ही नहीं। और यश का क्या है, वो गया होगा कहीं घूमने अपने दोस्तों के साथ गया होगा। बड़ी माँ मैंने उसके सारे दोस्तों को फोन कर लिया है, बट वो कहीं नहीं है। अरे तो जाओ ना ढूंढो उसे, कहीं ना कहीं तो होगा, किसी पार्क में होगा, सिनेमा हॉल में होगा, मॉल में होगा, जाओ ढूंढो उसे। कहीं बाहर जाकर समय खराब करने की जरूरत नहीं, पुलिस वाले आते होंगे, वो सब कुछ देख लेंगे खुद ही। आखिरी बार यश को किसने और कब देखा? जी मैंने देखा था। कब? यही तकरीबन 7:30 बजे। वो सुबह पतंग लेकर निकला था, शायद मैदान की तरफ गया होगा पतंग उड़ाने के लिए। हमें लगा कि शाम तक आ जाएगा, लेकिन जब वो शाम को वापस नहीं आया तो फिर हम लोग उसे ढूंढने के लिए निकले थे। और क्या वो इसी तरह पहले भी घर के बाहर इतनी देर रात तक रहता था? जी नहीं। इंस्पेक्टर साहब प्लीज मेरे बेटे को ढूंढिए, प्लीज। देखिए आप परेशान मत होइए, हम पूरी कोशिश करेंगे। आप मुझे यश का फोटो व्हाट्सएप कर दीजिए, हम आसपास के सभी थाने में सर्कुलेट कर देंगे। क्योंकि यश बालिक है तो हमें कल सुबह तक वेट करना पड़ेगा, और अगर फिर भी वो नहीं लौटा तो हम इस सारे एरिया की अच्छे से छानबीन करेंगे। और अगर आप लोगों को और कुछ भी पता चले तो हमें जरूर इन्फॉर्म कीजिएगा। जी इंस्पेक्टर साहब। ठीक है मैं चलता हूं। क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब, मेरे बेटे यश का कुछ पता चला क्या? रेणुका जी आई एम वेरी सॉरी, हमें यश की बॉडी मिली है। पास के मैदान में किसी ने उसका गला काट कर उसकी लाश को वहां फेंक दिया था। नहीं, नहीं, ये नहीं हो सकता।
देखिए संभालिए अपने आप को, मैं समझ सकता हूँ इस वक्त आप पर क्या बीतती है, लेकिन हमें यश के कातिल तक जल्दी पहुंचना है। उसके बॉडी के साथ हमें ये माला मिली है और कुछ पूजा का सामान मिला है। लगता है किसी ने तो जादू टोने के चक्कर में उसकी बलि चढ़ा दी है। ये माला तो माँ की है, पूजा की माला। ये माला तो दीदी की है, अपने हाथों में लेकर पूजा पाठ करती है। माँ कहीं ऐसा तो नहीं कि अपने अंधविश्वास में तुमने यश की बलि चढ़वा दी हो? नहीं बेटा। इंस्पेक्टर साहब, ये माला दीदी अपने हाथों में लेकर पूजा पाठ करती है, मुझे पूरा यकीन है इन्होंने ही मेरे बेटे को खून किया है। अपने बेटे राजन की शादी करवाने के चक्कर में घर में कुछ दिनों से अजीब अजीब सी हरकतें कर रही थी। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे पूरा यकीन है कि इन्होंने ही मेरे बेटे का कत्ल किया है। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं। देखिए सच क्या है और झूठ क्या है उसका पता हम करेंगे। आपको फिलहाल हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा, ले चलो इन्हें। मेरे बेटे की बलि चढ़ाकर आपको चैन नहीं मिला जो अब आप यहाँ चली आई हैं? इंस्पेक्टर साहब, आपने इस हत्यारन को क्यों छोड़ दिया? क्योंकि सुरभि जी ने आपके बेटे की हत्या नहीं की है। ये सच है कि राजन की शादी कराने और उसे ठीक कराने के लिए दिन रात पूजा पाठ करती थी, यहाँ तक कि गुरुजी की बातों में आकर मैंने यश की बलि देने के लिए भी सोचा था, लेकिन मैं कर नहीं सकी। अपने सुख के लिए मैं अपने घर के बच्चे की बलि नहीं दे सकती थी। हमने केस की बहुत अच्छे से जांच पड़ताल की है और हमें ये पता चल गया है कि सुरभि जी बिल्कुल निर्दोष है। बल्कि असली कातिल तो कोई और है। इंस्पेक्टर साहब, असली कातिल कौन है? यश की हत्या सुरभि जी ने नहीं बल्कि उनके बेटे राजन ने की है। इंस्पेक्टर साहब, क्यों झूठ बोल रहे हैं आप? आप मुझ पर झूठे इल्जाम लगा रहे हैं। मैंने कुछ नहीं किया, ठीक है? मैं कह देता हूं आपको, मैंने कुछ नहीं किया। ए, पकड़ो उसे। अब ये बताओ कि यश को मारने की वजह क्या थी? क्योंकि यश को पता चल चुका था कि मेरे संबंध रेणुका के साथ। और नेहा के साथ भी थे। जब यश ने पहली बार मुझे नेहा के साथ देखा तो नेहा ने उसे समझा दिया था कि मेरे से ऊपर कोई साया है और वो ये बात किसी को ना कहे वरना मैं सबको मार दूंगा। और वो डर गया तो उसने बात किसी को नहीं कही। लेकिन उस रात जब मैं रेणुका के साथ एक कमरे में था तब यश ने वैसे भूत वाला नाटक करके वहां का अच्छा बेवकूफ बनाया। अब वो जिंदगी भर डरती रहेंगी और ना ही मुझे कभी शादी के लिए बोलेंगे। राजन भैया, हम दोनों को एक साथ देख लिया था और उसे मालूम पड़ चुका
कि मेरे ऊपर कोई साया नहीं है तो बस। और फिर उस रात मुझे कोई बात नहीं सुननी तुम्हें झूठे इंसान की। मैं पापा को फोन करूंगा और तुम्हारी सारी करतूतें बता दूंगा। ये तुम क्या कर रहे हो? बात आगे बढ़ जाएगी। मैं पापा को सारी बातें बता दूंगा। मेरी बात सुनिए, किसी को फोन करने की जरूरत नहीं है। किसी को उसे मारने के बाद मैंने उसे पास के मैदान में फेंक दिया। और फिर मां की माला और पूजा का सामान उसके पास में रख ताकि सारा इल्जाम मां के ऊपर आ जाए। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से हमें यह साफ साफ पता चल गया कि यश का गला धागे से काटा गया और ये वही मांझा है जो हमें तुम्हारी गाड़ी से बरामद हुआ। मुझे तुम पर पहले ही शक हो चुका था जब तुमने कहा कि तुमने यश को सुबह 7:30 के करीब मैदान की तरफ जाते हुए देखा, जबकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट तो ये साफ साफ कहती है कि यश की मौत उससे पहले हो चुकी थी। अब ये बताओ कि इन सब चक्करों में तुमने अपनी मां को क्यों फंसाया? क्योंकि मैंने पंडित जी की बात सुन ली थी। उन्होंने उन्हें आइडिया दिया था नरबली का, वहीं से मुझे ये आइडिया आया। जब यश को सब कुछ पता चल चुका था तो मेरे पास उसको मारने के दो फायदे थे। पहला ये कि मेरा राज किसी को पता नहीं चलेगा, और दूसरा ये कि उसके खून के इल्जाम में मां को सजा हो जाएगी और मैं आजाद हो जाऊंगा, पूरी तरह से आजाद। अभी अपनी ये आजादी जेल में चल के मनाना। तू जैसा पापी मेरा बेटा हो ही नहीं सकता। क्या क्या नहीं किया तेरी भलाई के लिए। मैं उस मासूम यश की बलि देने वाली थी लेकिन नहीं कर पाई। मेरा दिल नहीं माना क्योंकि क्योंकि मैं भी एक माँ हूँ। लेकिन तूने तूने अपनी अय्याशी के लिए अपने भाई की जान ले ली। इंस्पेक्टर साहब, इसे कड़ी से कड़ी सजा दिलवाइए ताकि फिर कोई इंसान इस तरह की घटिया हरकत ना करे। ले चलो इसे।